इसे कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर मुहम्मद आमिर की जब से वापसी हुई है कुछ लोगों को ऐसी जरन महसूस होती है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं जबकि कुछ लोग इस बात के हक के अंदर हैं कि फिक्सर्स को नहीं आना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम के अंदर आमिर जैसे बोलर को आ जाना चाहिए जिनमें शायद की भी सरफरस्त है लेकिन रमीज रजत साहब जो कि पाकिस्तान के एक्स चेयरमैन है वो काफी ज्यादा गुस्सा करते गए ऐसे टेंटर प्लेयर पर काफी तनकीद भी करते रहते गए लेकिन उनका आज प्रोग्राम किस तरीके से बड़ा मुकम्मल तफसी आपको देने जा रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो जो समझते मोहम्मद आमिर की आज की तबई बोलिंग थी वो इस वीडियो को लाइक करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को जो तक सब्सक्राइब करना यार आज सब्सक्राइब कर दो और कॉमेंट्स में एक प्यार जुमला पाकिस्तान टीम के लिए आप लोगों ने लिख देना फेसबुक पर देखने वाले इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर भी करेंगे अब दोस्तों मोहम्मद आमिर बोलिंग करा रहे थे रमीज राजा साहब राज से अब कॉमेंट्रे भी कर रहे थे मोहम्मद आमिर ने तकरीबन

अगली ही गेंद पर मुहम्मद आमिर ने विकेट उड़ाकर रख दी अब विकेट उड़ने की देर थी रमीज राजा साहब खुद फंटेस्टिक फंटेस्टिक लगा रहे थे यानी कि भाई साहब जो दो मिनट पहले तकरीबन एग्जैक्ट दो मिनट पहले तनकी तकरीबन तकरीबन दबे दबे लफ्जों के अंदर कर रहे थे कि भाई छोटी टीम है आप अभी तक विकेट नहीं ले पा रहे आप सीधा इनको विक्टों पर मारो ये करो वो करो मोहम्मद आमिर ने आप विकेट ले ली तो भाई साहब यहाँ पर प्रोग्राम असल में साहब का बड़ा है इस चीज़ को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसीराई मिल रखी क्या कि दौरान कमेंट्री क्या इनके आश्र हुआ है आज उस वक्त काफी ज्यादा कमेंटेटर भी मौजूद थे वसीम अक्रम भी मौजूद थे जबकि आप लोग जानते हैं कि स्टार के लिए भी काम कर रखे होते क्या साहब तो आप लोग जानते हैं कि भाई साहब अब इनको सोच समझ कर बातचीत करनी चाहिए मेरे सबसे पाकिस्तान के लिए कर कि अपना थोड़ा तो सा इनको साइड पर कर देना चाहिए खैर बड़े हैं यार हमसे बड़े या उम्र में बड़े बढ़े तो हम क्या कह सकते क्या मोहम्मद आमिर के, के सच्चे पक्के चैनल वाले इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही देंगे हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए बहुत को बहुत रखे मिलता है